ध्रुव राठी को दिल्ली कोर्ट की जानिब से समन जारी किया गया है। ध्रुव राठी पे डिफोमेशन केस है। 20 लाख रुपए जो है वो इज्जत के मामले में जो है वो दर्ज करवाए हैं भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने। मैं ये कहना चाहता हूं कि ध्रुव राठी आज के टाइम में बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। ध्रुव राठी प्रोपोगंडा एक्सपोज कर रहा है और छपरी यूट्यूबर्स को उनकी औकात दिखा रहा है। वो यूट्यूबर जिनके अंदर एक कट्टरवाद है, वो यूट्यूबर जो आज के समय में देश के अंदर प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, और वो यूट्यूबर जो नशे में मुलव्विज हैं, जो सांप का जहर बेचकर नौजवानों को इन चीज़ों में दाखिल कर रहे हैं, और वो यूट्यूबर जो गलत तरीके से देश के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे हैं, उन सबको एक्सपोज करने वाला है वन एंड ओनली वन मिस्टर ध्रुव राठी सर जी, जो लगातार इनके प्रोपोगंडा को एक्सपोज कर रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद तो उड़ा दी इसने, क्योंकि ये तो इनको जो है वो एक्सपोज कर रहा है, बड़े पैमाने पे जो है वो एक्सपोज किया भी जा रहा है, इनकी रियलिटी इनके सामने लाई जा रही है, और जो जो ये गलत कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को देश के सामने, अवाम के सामने एक्सपोज किया जा रहा है। अब ध्रुव राठी के खिलाफ जो है वो 20 लाख का मुकदमा दर्ज किया है। ये कहा है कि उसने इज्जत डिफामेशन केस किया है, और ये कहा है कि उसने इमेज डैमेज की एक शख्स की, एक बीजेपी के लीडर की, और वो दिल्ली का लीडर है। उसने जो है वो दर्ज कर दिया उनके खिलाफ ये मुकदमा, और कोर्ट ने समन जारी कर दिया है। ध्रुव राठी रियलिटी बेस्ड रिपोर्ट्स देता है। ध्रुव राठी की रिपोर्ट्स पब्लिक के फेवर में होती हैं। ध्रुव राठी की रिपोर्ट्स विदाउट प्रोपोगंडा होती हैं। ध्रुव राठी की रिपोर्ट्स जो है वो देश की डेवलपमेंट पे होती हैं। ध्रुव राठी की रिपोर्ट जो है वो देश को मजबूत करने के लिए होती हैं। और जितनी भी रिपोर्ट्स आज तक ध्रुव राठी ने अपने कैरियर में एज ए यूट्यूबर दी हैं, वो तमाम की तमाम रिपोर्ट्स अभी तक परफेक्ट साबित हुई हैं। उनके यूट्यूब के ऊपर चाहने वाले करोड़ों की संख्या में हैं, और वो करोड़ों की संख्या में नौजवान हैं जो चाहते हैं कि देश मजबूत हो, जो चाहते हैं कि देश हमेशा तरक्की करे, जो चाहते हैं कि देश हमेशा बुलंदियों पर पहुंचे, जो चाहते हैं कि देश हमेशा जो है वो हमें आगे बढ़ते हुए नजर आए। अब ध्रुव राठी ने गलत क्या किया है? ध्रुव राठी ने कुछ सो कॉल्ड लीडर्स के खिलाफ उनकी रियलिटी, उनकी सच्चाई सामने लाई तो एकदम से कई सारे लोगों को तकलीफ होना शुरू हो गई है। मैं तो ये मानता हूँ कि ध्रुव राठी सही काम कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट मिस्टर ध्रुव राठी। मैं तो ये मानता हूँ कि ध्रुव राठी का काम जो है वो नेक्स्ट लेवल का है, और ध्रुव राठी कुछ गलत तो कर नहीं रहे हैं। वो सारी रियलिटी रिपोर्ट्स बेस पे बता रहे हैं। उन्होंने एक्सपोज किया, हालिया ही उन्होंने एक्सपोज किया एक यूट्यूबर को, एक छपरी यूट्यूबर को, सो कॉल्ड यूट्यूबर को, जो यूट्यूबर नशे में लड़कों को मुलव्वज़ करता था, जो सांप का जहर जो है उसे क्लब्स में इस्तेमाल करवाता था, और नौजवानों को जो है वो सांप का जहर का नशा दिलवाने में काम करता था। उस यूट्यूबर को एक्सपोज किया। ध्रुव राठी ने कौन सा गलत किया? ध्रुव राठी ने जो है वो कौन सी गलत चीज़ ऐसी की है जिससे हम ये मानते हैं कि वो एंटी प्रोपोगंडा है? उसका कोई एंटी प्रोपोगंडा नहीं है। उसने हर चीज़ को सामने लाया। रोजगार खत्म हो रहा है, ये सच है। देश के अंदर जो है नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये सच है। वो कंपनीज जिनका साल का इनकम प्रॉफिट 12 लाख रुपए है, और उन्होंने जो है वो डोनेशंस करोड़ों रुपए की दी हुई हैं, तो ये क्या सही नहीं है? क्या ये गलत नहीं है? क्या इन चीज़ों के ऊपर गौर और फिक्र नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ऑब्वियसली। इसलिए ध्रुव राठी की हर चीज़ जो है वो सही है, वो जेन्युइन है, वो जायज़ है। और ध्रुव राठी को आज के समय में हर इंसान जो है वो 100 में से आउट ऑफ 100 रेट करता है, और मैं उसे पर्सनली 100 में से आउट ऑफ 110 रेट करता हूँ ध्रुव राठी को। और ध्रुव राठी के बताए हुए नक्शे पे मेरे जैसे नौजवान जरूर चलेंगे, और जो ध्रुव राठी के बताए हुए रास्ते को फॉलो करेंगे, यानी किस चीज़ में? सिर्फ इस चीज़ के अंदर कि कैसे रियलिटी को सामने लाना है, और कैसे झूठ को जो है वो उसका पर्दाफाश करना है, कैसे सच्चाई को आवाम के बीच में लाना है। बस सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी साहब कागज़ के फूलों से। तो हमें रियलिटी के ऊपर काम करना है, रियलिटी रिपोर्ट्स बनानी है, फेक एंटी प्रोपोगंडा से दूर रहना है, और छपरी यूट्यूबर्स की सच्चाई उनके सामने लानी है, ताकि ये जो छपरी यूट्यूबर्स हैं इनकी औकात हम दिखा पाएं कि क्या है आज के समय में। और ये छपरी यूट्यूबर्स की औकात जो हैं वो मैं नहीं बल्कि मेरी तरह के हज़ारों जर्नलिस्ट आफ्टर ध्रुव राठी के एपिसोड्स के बाद दिखाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कभी देश के खिलाफ तो बात की नहीं है, वो भी देश से मोहब्बत करते हैं,
उनका किसी के खिलाफ कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने रियलिटी रिपोर्ट्स दिखाई हुई हैं किस तरीके से क्या हो रहा है। अब बीजेपी के एक नेता को उन्होंने एक्सपोज कर दिया, व्हाट डज इट मीन साहब, क्या आप उनके ऊपर डिफोमेशन केस करेंगे 20 लाख का? आप कर सकते हैं, ये आपका राइट है, ये आपका अधिकार है, बट दुनिया जानती है कि ध्रुव राठी क्या सही है या क्या गलत है। दुनिया जानती है कि ध्रुव राठी क्या इंसान है, उसकी कैसी सोच विचारधारा है, वो किस चीज़ को लेकर काम कर रहा है। अब एक छपरी यूट्यूबर सो कॉल्ड जो छपरीपन दिखा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जो सांप का जहर बेच रहा है क्लब्स में, नौजवानों को नशे में मुलव्वज कर रहा है, जो गाली गलौज करता है, गुंडागर्दी करता है, मारपीट करता है, बदतमीजी करता है, वो यूट्यूबर क्या एक्सप्लेन कर पाएगा ध्रुव राठी के कैरियर को, उसके स्टैंडर्ड को, उसके प्रोटोकॉल को? वो क्या एक्सप्लेन कर पाएगा ध्रुव राठी कहाँ है? उसका तो बस गेम ही इतनी है, पकड़ लिया, इस पकड़ लिया से ऊपर तो कभी वो गया ही नहीं है। और फिर कहाँ ध्रुव राठी जो रियलिटी के ऊपर वो बताते हैं हर रिपोर्ट्स को, उनकी रिपोर्ट जो है वो सारी की सारी सामने। और आज के समय में ध्रुव राठी की तरह हजारों नौजवान वीडियोस बना रहे हैं, हजारों नौजवान यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्हें लगा कि यू ध्रुव राठी का रास्ता सही है, उसने जो रियलिटी पे काम करना शुरू किया, हमें भी रियलिटी पे काम करना चाहिए, हमें किसी को फेवर नहीं करना चाहिए, किसी गवर्नमेंट का के तलवे नहीं चाटने चाहिए, किसी लीडर के जो है वो तलवे उसकी जो तारीफें नहीं करनी चाहिए। इसमें क्या गलत है यार, इसमें क्या नॉनसेंस है? अगर कोई भी काम कर रहा है तो अपने देश के लिए काम करे। आई लव माई इंडिया, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, मैं अपनी मिट्टी से प्यार करता हूँ, मैं मेरे देश के लिए मेरी जान कुर्बान है, मैं अपने देश से इंतहाई बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरा खून मेरे देश के लिए अगर मिले तो वो भी कम है, मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जहाँ पे सरकार की पॉलिसीज गलत होंगी, मैं तो उसे ओपनली सरकार के सामने जो है वो मैं क्रिटिसाइज करूंगा, और मैं करता भी हूँ, और मैं करते आया हूँ, और मैं करते रहूंगा। नो डाउट कितनी भी वेरिफिकेशन हो जाए उसमें कोई गलत नहीं है। जब आप रियलिटी रिपोर्ट्स दोगे, जब आपकी रिपोर्ट्स में ताकत होगी, जब आप सच्चाई के ऊपर मदनी रिपोर्ट्स दोगे, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आज के समय में डिफॉर्मेशन केसेस तो कोर्ट्स में होते हैं, ये केसेस इस बुनियाद पर करवाए जाते हैं ताकि सामने वाले बंदे को मेंटली टॉर्चर किया जाए, हरास किया जाए, और क्या। अब ध्रुव राठी जो कर रहा है वो अपने फायदे मुफाद के लिए नहीं कर रहा है। ध्रुव राठी का काम करने का मकसद सिर्फ इतना है कि रियलिटी को सामने लाया जाए, सच्चाई को सामने लाया जाए, वो उसको ला रहा है सामने। अब आप देखिए इसमें सच क्या है, झूठ क्या है, ऑडियंस ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन ध्रुव राठी की रिपोर्ट अभी तक मेरे हिसाब से कमेंट्स में भी सब लोग जो हैं वो 100% राइट लिखते हैं। हर बंदा ध्रुव राठी से प्यार करता है, ध्रुव राठी के नाम को सुनकर ही शेयर होना स्टार्ट हो गया वीडियो, कितने सारे लोग जो हैं ध्रुव राठी से इंतहाई मोहब्बत करते हैं, इसमें क्या गलत है भाई साहब? ध्रुव राठी एक जैम है, वो जैम था, वो जैम रहेगा, वो हीरा है, हम उस हीरे को कभी भी गलत नहीं। बाकी छपरी यूट्यूबर्स तो मार्केट में बहुत मिलते हैं, बाकी छपरी यूट्यूबर्स तो इस मार्केट में बहुत घूमते हैं, ब्रश कर लिया, कोलगेट लगा लिया, डांस कर लिया, टॉवल ले लिया, ड्राई फ्रूट खा लिया, अरे हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा मुद्दा नौजवानों का मुद्दा, हमारा मुद्दा देश का मुद्दा, हम लड़ेंगे तो नौजवानों के हक के लिए लड़ेंगे, हम मरेंगे भी तो शहीद की मौत मरेंगे अपने देश के लिए, और हमें जो है वो अपने नौजवानों के हक और इंसाफ के लिए लड़ना है। हमें कोलगेट ब्रश से कोई मतलब नहीं है, हमें सुबह उठ के मॉर्निंग में चाय दिखाने से कोई मतलब नहीं है। वो यूट्यूबर, छपरी यूट्यूबर खुद को क्या बोल रहा है? और यहाँ पे ध्रुव राठी जैसे एक बेहतरीन जो मुकम्मल तौर के ऊपर कामयाब एक नौजवान है उसके खिलाफ, हमें लगता है कि ध्रुव राठी के खिलाफ जो कोर्ट से समन जारी हुआ है इसका ध्रुव राठी जो जवाब है वो कानूनी तौर पर तो दे देंगे, लेकिन मुझे जब तक लगता है कि ऐसे यूट्यूबर्स, छपरी यूट्यूबर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।